नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहां हमारा एक सीरीज चली हुई रैपिड कोर्स। आज हरियाणा पीटीआई को लेके 23 अगस्त को एग्जाम होना है, तो आज तारीख हो चुकी है 15, और मेरे ख्याल से 14 को कल ही रोल नंबर आने थे। वीडियो शूट करा उस टाइम तक आए नहीं थे, लेकिन आ गए होंगे। जो भी है, ठीक है, वीडियो 14 को शूट हुआ, जब ये शूट हो रहा था तब तक रोल नंबर आए नहीं थे। अब आज आएंगे या नहीं आएंगे उसके ऊपर देखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो आज है 15 अगस्त, ठीक है। आज हम बात करेंगे वीडियो में, एक तो टूर्नामेंट के ऊपर बात करेंगे भाई, ठीक है। टूर्नामेंट की सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात बताऊंगा मैं भाई, ज़्यादा नहीं सोचना अपन कि फिक्सचर कैसा बनेगा, नॉर्मल बेसिक सी बात बताऊंगा कि बाई कैसे निकलती है, कितने प्रकार के टूर्नामेंट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड और भी जो लीग टूर्नामेंट होते हैं, वो सिंगल लीग टूर्नामेंट मत हो तो इतने उसमें फलानी संख्या में टीम आ गई और कितने मैच होंगे वो निकालना बताऊंगा, फालतू डीपली नहीं जाएंगे। एक जो विटामिन्स के साइंटिफिक नाम है और उनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं वो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। दो बात कवर करेंगे, फालतू नहीं करें, कोशिश करूंगा जो मिनरल्स होते हैं उनको भी मैं कवर करवा दूं, जो आपके मिनरल्स खनिज लवण उनके कमी से, किसकी कमी से क्या बीमारी हो सकती है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना देरी के बने रहें साथ में, और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को आपको उठा आपकी प्रॉब्लम को उठा सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, टूर्नामेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो, टूर्नामेंट 4 प्रकार के हो सकते हैं, याद रखने की बात यही है। आपसे एग्जाम के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है टूर्नामेंट कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है नॉकआउट, सबसे पहला जो टूर्नामेंट हो सकता है नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट सबसे पहला जो टूर्नामेंट हो सकता है नॉकआउट। दूसरा जो टूर्नामेंट हो सकता है लीग टूर्नामेंट, लीग। तीसरा जो हो सकता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और फोर्थ हो सकता है चैलेंज टूर्नामेंट। देखो भाई, ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट हो सकते हैं चैलेंज टूर्नामेंट, याद रखने की बात ये आए हैं। सबसे मेन तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप बता सकते हो 4 प्रकार के। नॉकआउट क्या होता है, जिसमें एक बार टीम हारते ही बाहर हो जाए। लीग, वो प्रकार टूर्नामेंट का जिसमें हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ खेलती है। कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टूर्नामेंट करवाया जाता है वो कॉम्बिनेशन का चैलेंज, भाई इसमें खिलाड़ी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज कर सकता है और उसके साथ वो टूर्नामेंट करवा दिया जाता है। इसमें सीढ़ियाँ होती है, हमारे लिए कोई खास जरूरी है नहीं, हमारे लिए इन दोनों के फार्मूले जानना जरूरी है। कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, इन दोनों को आपस में मिला के वो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन आप 4 प्रकार से कर सकते हो। इजी बात बता दूं, जैसे टूर्नामेंट आपको करवाना हो नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट करवा दो, या लीग कम नॉकआउट करवा दो, या नॉकआउट कम नॉकआउट करवा दो, या लीग कम लीग टूर्नामेंट करवा दो। अब बात कर लेते हैं नॉकआउट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की, फार्मूले क्या हो सकते हैं। देखो, हम जब भी कोई गांव में टूर्नामेंट करवाते हैं, हमारे पास टीमें या तो सम संख्या में आएंगी या विषम में आएंगी, सीधी सी बात है, या तो सम में आएंगी या विषम में आएंगी, या सम में आएंगी या विषम में। कैसे, या तो आपके पास भाई 14 जो 2 से भाग जाएगी उसमें टीमें आएंगी उस संख्या में, या 2 से नहीं जाएगी, 15 आ गई, 25 आ गई, 26 आ गई, मतलब या जितनी टीमें, या तो वो 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। 2 से भाग चली जाए तो क्या होगा, टीमों को 2 भागों में बांटना हो। जैसे हमारी टीम, हमारे पास टीम आएगी 26, तो क्या करेंगे, एक हाफ में 13 टीम कर देंगे, एक में 13 कर देंगे, तो 2 हाफ में टीमों को डिवाइड कर सकते हो, सम में आ जाए। लेकिन टीम में अगर विषम में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 27 आ गई, तो क्या होगा, 27 टीमों को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 हाफ में डिवाइड करने के लिए क्या फार्मूला हमें अपनाना पड़ेगा, इसके लिए ऊपरी अर्ध के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टीम माइनस 1/2। ऊपरी अर्ध के लिए, अगर मैं कहूं निचले अर्ध में कितनी टीमें आएंगी, इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, n+1/2। समझ गए, ये फार्मूला आपका रहता, सॉरी भाई सॉरी, ऊपरी अर्ध के लिए प्लस हो जाएगा ये और निचले अर्ध के लिए माइनस होगा भाई। ऊपरी अर्ध के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ टीम +1/2, निचले अर्ध के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ टीम -1/2, अगर टीमें विषम संख्या में आ गई तो, ठीक है। अगर सम में हैं 16, 26, 18 तो कुछ नहीं करना, सीधा 2 से भाग दो, आधी आधी टीम कर दो। लेकिन विषम में आ गई थी ये तो कर नहीं सकते कि 13.5 ऊपर कर दी 13.5, तो क्या है इसका फार्मूला, ऊपर वाले अर्ध के लिए n+1/2, नीचे वाले अर्ध के लिए n-1/2। इसके बाद आपके पास कितनी भी टीमें आए, इसमें हमें क्या करना होता है, पहले राउंड में टीमों को इस प्रकार से एडजस्ट करना होता है, जो लास्ट में जो टीमें हैं 2 की पावर में हमारे पास आए, फाइनल में 2 टीमें पहुंचे,
क्या होता है कई बार जैसे आपके पास टीम में 27 आ गई, 15 आ गई, 16 आ गई, तो लास्ट में तीन टीमें बच जाती हैं। उस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाता है, उस समस्या से निपटने के लिए पहले राउंड में बाइस दी जाती हैं। भाई बाई मतलब कुछ टीमों का राउंड पहले राउंड में, कुछ टीमों को जो पहला राउंड कुछ टीमों का बिना खिला ही निकलवा दिया जाता है। तो बाई देने का क्या फार्मूला, तो वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो नंबर ऑफ बाईज कैसे निकाली जाएंगी और नंबर ऑफ बाईज हमें किस समय निकालनी वो जाननी जरूरी है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो दो की पावर में चीज, एक होती है दो से भाग जाने वाली चीज संख्या, एक होती है दो की पावर में संख्या, एक होती है दो से भाग जाने वाली संख्या। कैसे, दो की पावर में मैं कहूं दो की चार, तो ये क्या हुआ, दो की चार पर गुणा है, ये क्या हो गया, सोलह हो गया, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, दुनी सोलह, सोलह हो गया। अगर मैं कहूं आपको यहां पे दे दूं छह, तो क्या आप छह की, छह को दो की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, दो से भाग तो जा रही है लेकिन छह की पावर नहीं बन सकती है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि पहले राउंड में कितनी टीमों को बाई देनी है, इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, इसका जो फार्मूला होता है, इसका ये फार्मूला होता है, हमें देखना होता है कि जो जितनी हमारे पास टीमें आई वो टीमें दो की पावर में है या नहीं। अगर वो दो की पावर में नहीं है तो हमें उन टीमों को बाई देनी है। भाई कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास छह टीमें आ गई, तो ये दो की पावर में नहीं है, हम कर लेते हैं एक बार इनका मैं फिक्स्चर बनाऊं, दो तीन चार पाँच छः, छः टीमें हैं, ऊपरी हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना मतलब सम संख्या में, तो तीन तीन टीमें हो जाएंगी। अब मैं कहूँ मैच करा दूँ, मैं इसका इसका करवा दिया, इसका इसका करवा दिया, इसका इसका, अब ये क्या हुआ, इसका इसका करवा दिया, ये टीमें बिना खेले फाइनल में चली गई ये टीम। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाता है, बाई दी जाती है। ठीक है, अगर टीम पहले राउंड में दो की पावर में हो तो बाई नहीं देनी। भाई दो की पावर में कैसे, फॉर एग्जांपल आठ टीमें होती है हमारे पास यहाँ, तो क्या करते हैं, इसका इसका मैच हो जाता है, इसका 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 इसका, और ये फाइनल, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन टीम में दो की पावर में नहीं तो समस्या क्या होगी, सेमीफाइनल में तीन टीम पहुंच रही है भाई, और फाइनल में भी तीन टीमें पूछ रही है, दो एक पूछ रही है। ठीक है, इस प्रकार की समस्या को हम फेस कर रहे हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए पहले राउंड में कुछ टीमों को डम्मी मान के जो है कुछ टीमों के साथ खिला दिया जाता है, जिससे जो है नेक्स्ट राउंड में दो की पावर में टीमें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीमें आ गई छ, चार पाँच छ, ठीक है। अब मैंने कहा दो की पावर में टीम नहीं हो तो बाई देनी होती है, ठीक है, ऊपरी हाफ लोअर हाफ हो गया। बाई कैसे दी जाती है, नॉर्मली बता देता हूँ, जितनी भी नंबर ऑफ टीम है इससे अगली हमें दो की पावर लेनी है, छोटे से छोटी, इससे अगली छह टीमें, इससे अगली छोटे से छोटी पावर किसकी है, दो की कितनी है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो की तीन, दो को तीन बार गुणा करते हैं आठ आ जाता है, इससे अगली दो की पावर छोटे से छोटी कौन सी है, आठ, समझ गए, आठ में से छह गया बच गया दो, मतलब यहां पे दो टीमें हमने एक्स्ट्रा माननी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा तो टीमें हो जाएंगी आठ, आठ टीमें होगी तो सीधी सी बात है भाई फाइनल में हमारे पास दो टीम पहुंचेगी। अब जो हमने डम्मी टीम मानी वो एडजस्ट कहां पे करनी है, उनको एडजस्ट कैसे करना है, बाई देने का फार्मूला क्या होता है, मतलब डम्मी टीम मानी हो उनका मैच किसी के साथ तो फिक्स होना ना, वो मैच कैसे फिक्स हो, जैसे हमारे पास दो डम्मी टीमें आ गई, ये दो डम्मी टीम कैसे एडजस्ट करनी होती है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बाई, जो सबसे पहली डम्मी टीम कहां पे एडजस्ट होती है, लोअर हाफ की लास्ट टीम को, ठीक है। फिर सेकंड बाई, आप अभी तो आपके पास दो बाई हैं, अगर ये दस बाई होती तो किस सीक्वेंस में चलती है वो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। नेक्स्ट बाई किसको देनी होती है, अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। नेक्स्ट जो बाई देनी होती है वो किसको देनी होती है, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को यहाँ पे। फिर और थर्ड जो बाई देनी होती है वो किसको देनी होती है, अपर हाफ की लास्ट टीम को, ठीक है। ये सीक्वेंस ऐसे चलती है, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट बाई चली जाएगी लोअर हाफ की लास्ट सेकंड टीम को, फिफ्थ, इस सीक्वेंस में चलती है, ठीक है। बाई निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया, स्पीडली बताया, इससे पहले मैं इनको स्लो मोशन में भी करवा चुका हूं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी बाई निकलती है। इसके बाद लोअर और अपर हाफ में कितनी बाई जाएंगी, इसका भी एक फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई लोअर और अपर हाफ में जैसे आपके पास बाई आ गई पांच, अगर मैं कहूं अपर हाफ में कितनी बाई दी जाएंगी, तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ बाईज माइनस एक बटा दो ऊपरी अर्ध के लिए, ये बाई निकालने का फार्मूला है। लोअर अर्ध के लिए नंबर ऑफ बाईज प्लस वन बटा दो, ये लोअर हाफ की बाईज निकल आएंगी। भाई लोअर हाफ में कितनी बाई दी जाएंगी। इसके बाद नॉकआउट
टूर्नामेंट करवा रहे हो तो टोटल मैच कितने होंगे, नंबर ऑफ टीम माइनस वन कर देना भाई, पता चल जाएगा कितने मैचेज होने हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है भाई आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके पास टीम में 18 हैं तो पहले राउंड में टोटल कितने मैचेज होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आपके पास टीम में हो चाहे 100, आपके पास टीम में हो चाहे 200, अगर नॉकआउट पे आप टूर्नामेंट करवा रहे हो आपसे पूछ लिया जाए कि जो है आपके पास टीम में आ गई 100 तो पहले राउंड में कितने मैचेज होंगे, ठीक है आपसे पूछ सकता है ये, या टीम में आ गई 25 तो पहले राउंड में कितने मैच होंगे। मैंने बताया अगर टीम 2 की पावर में नहीं है तो हमें बाई निकालनी होती है। बाई निकालने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ टीम जितनी भी हैं उससे आगे छोटे से छोटी 2 की पावर कितनी है वो निकाल के उसमें से घटा देंगे, पता चल जाएगा मैच कितने होने हैं। जैसे 25 टीम आ गई, इससे आगे 2 की छोटे से छोटी पावर कितनी है, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, हमें पता चल गया 25 से आगे छोटे से छोटी संख्या कितनी है, 2 की पावर कितनी है 32, नंबर ऑफ टीम कितनी है 25, तो बच गई 7, मतलब 7 टीमें डम्मी मानी और जो हमारे पास टीम आई 25 उनके साथ इन 7 टीमों के मैच होने हैं। तो बेसिक सी बात है जो 25 में से 7 गया 18 बच गया, मतलब 7 टीमों को तो सीधा नेक्स्ट राउंड मिल जाएगा ना, तो पीछे टीम बच गई 18 में कितने मैच होंगे 9 मैच, तो बता सकते हो 9 मैच होंगे पहले राउंड में, ठीक है क्योंकि 7 टीमों को जो है डम्मी टीमों के साथ खिलाया जाएगा, वो बिना खेले अगले राउंड में चली जाएंगी, बस इतनी सी बात थी। इसके बाद आपसे पूछ ले भाई नॉकआउट पे टूर्नामेंट करवा रहे हो, आपके पास टीमें 25 हैं तो कितने मैच होंगे, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ टीम माइनस 1 मैच कितने होंगे 24। अगर मैं आपसे कहूं राउंड कितने होंगे तो नंबर ऑफ आपने जो 2 की पावर की है ना वो काउंट कर लो, जैसे टीम में आई 25, यहां पे मैं 2 की कितनी पावर करनी पड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 2 की 5 करनी पड़ी, तो मतलब राउंड कितने होंगे 5 मार, जो राउंड होगा वो फाइनल होगा भाई, ठीक है। बस इससे रिलेटेड यही एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं नॉकआउट से, ये फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट से आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ मैचेज का भाई, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, काम की बात बता रहा हूं बस, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आ सकता है लीग मैचेस में भाई, क्या देगा आपके पास, देखो लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो सिंगल एक डबल। डबल में क्या होता है, सिंगल में क्या होता है, हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है, डबल में क्या होगा, हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलेगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूं आपके पास टीम में है 25, अगर आप सिंगल लीग पे टूर्नामेंट करवा रहे हो तो टोटल कितने मैच होंगे, तो इसका फार्मूला होता है भाई n × n − 1/2, ये फार्मूला होता है भाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीम आ गई 7, सिंगल लीग पे टूर्नामेंट करो तो फार्मूला 7 × 7 − 1/2, ये बच गया 7 × 6/2, 2 × 3 = 21 मैच होंगे भाई टोटल। अगर आपसे पूछ ले डबल लीग में, डबल लीग का फार्मूला तो ये हो जाएगा n × n − 1/2, नहीं आएगा इसमें, बटे से 2 नीचे से 2 हट जाएगा, डबल लीग है तो मतलब अब कितने मैच होंगे 7 × 7 − 1, ये 7 × 6 = 42 मैच होंगे भाई डबल लीग। बस टूर्नामेंट से यही क्वेश्चन आ सकता है, मैंने दोनों ही चीजें आपको बता दी, नॉकआउट भी बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आना भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है। इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है भाई आपका, वो क्या बन सकता है एक बार मैं, जो लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार से आप करवा सकते हो, लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार से आप करवा सकते हो, वो जो है क्वेश्चन बन सकता है भाई। मैं आपको बता दूं उसमें एक तो मेथड होता है आपका साइकिलिंग मेथड, एक स्टेयर केस मेथड आपका हो सकता है, एक टेबुलर विधि आपकी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड और, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, 3 तो मैंने आपको बता दिए और ये हम उसमें कर चुके हैं भाई। हाँ 3 मेथड बन सकते हैं भाई लीग टूर्नामेंट के, एक तो आपका साइक्लिक विधि, एक आपका बनेगा स्टेयर केस मेथड, एक आपका टेबुलर विधि, ये लीग टूर्नामेंट करवाने के मेथड है भाई, ठीक है याद रखें, ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, लीग टूर्नामेंट करवाने के मेथड, ठीक है याद रखने की बात है तीनों इसके, ये मेथड हम डीपली पढ़ चुके हैं हमारे उसमें, ठीक है। एक टेबुलर विधि में थोड़ी सी कोरेक्शन थी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी बात हुई थी विटामिन को लेके, कि विटामिन के साइंटिफिक नाम और उनसे होने वाली बीमारियां मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं, बने रहे साथ में। इसके बाद हम बात कर लें विटामिन की, सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम मैं बताऊं आपको, रेटिनॉल, रेटिनॉल।
विटामिन बी, विटामिन बी देखो दो प्रकार के विटामिन होते, एक तो पानी में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी, याद रखें। वसा में ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील, ये पानी में। विटामिन बी, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है भाई, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कई विटामिन बन जाते हैं। विटामिन बी वन है, विटामिन बी टू है, विटामिन बी थ्री है, ठीक है, इसको इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं विटामिन बी वन का साइंटिफिक नाम, तो ये होता है थायमीन भाई, थायमीन। इसके बाद मैं बात करूं विटामिन बी टू की, इसका जो साइंटिफिक नाम होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसके बाद विटामिन बी थ्री का जो साइंटिफिक नाम होगा निकोटेनाइड, निकोटीनेनाइड। इसके बाद विटामिन बी फाइव, इसका जो साइंटिफिक नाम होगा पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक। इसके बाद जो बनता है विटामिन आपका बी सिक्स, इसका जो साइंटिफिक नाम होगा पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। इसके बाद विटामिन बी सिक्स सॉरी, इसके बाद जो नाम बनता है विटामिन बी सेवन, इसका जो साइंटिफिक नाम होगा बायोटिन। इसके बाद जो बनता है विटामिन बी नाइन, बी नाइन, इसका क्या नाम बनेगा आपका? फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट बन सकता है विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व, इसका क्या नाम होगा? साइनोकोबालमिन। थोड़ा लंबा नाम है भाई साइनोकोबालमिन, ठीक है। ये विटामिन बी के साइंटिफिक नाम भाई, इतने इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट बनता है विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड भाई, एस्कार्बिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट जो हो सकता है विटामिन डी, डी का साइंटिफिक नाम क्या हो सकता है आपका? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। इसके बाद विटामिन ई, इसका क्या बनेगा नाम? टैकोफोराल, टोकोफेराल, फेरोल कहो, फेराल कहो। फिर आपका के बचता है, इसका जो नाम बनेगा फ्लिकवनोन, फिलो कवो नान। ये साइंटिफिक नाम है भाई इनके विटामिन्स के। अगर मैं बात करूँ इनसे होने वाली बीमारियों की, मैं स्पीडली बता देता हूँ आपको, वैसे ही बिना बोर्ड पे लिखे। विटामिन ए, जो एग्जाम रिलेटेड बीमारी विटामिन ए की कमी से हो सकती है, रतौंधी नामक बीमारी आपको, रतौंधी नामक बीमारी आपको हो सकती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। इसके बाद विटामिन बी वन, बेरी बेरी भाई, बेरी बेरी आपको हो सकता है विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी याद रखें। विटामिन बी वन मतलब थायमिन, थायमिन की कमी से आपको हो सकता है बेरी बेरी। इसके बाद विटामिन बी टू, इसकी कमी से आंखें जो है लाल हो जाएंगी भाई, त्वचा का आपको जो बीमारी हो सकती है विटामिन बी टू, त्वचा आपकी फटनी शुरू हो सकती है, त्वचा, ठीक है, त्वचा फटनी शुरू हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी। इसके बाद विटामिन बी थ्री, इसकी कमी से आपको हो सकता है बाल सफेद हो जाएं, चर्म रोग आपको हो सकता है, खाज खुजली। और विटामिन बी फाइव, प्लेग्रा नामक बीमारी आपको हो सकती है भाई, पेलेग्रा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये प्लस टू की किताब में दे रखा भाई, विटामिन बी फाइव की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। आप इसको किसी और का रीजन भी बता सकते हो जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन जो प्लस टू की बुक है वो यही कहती है विटामिन बी फाइव की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। इसके बाद विटामिन बी सिक्स, बी सिक्स की कमी से एनीमिया,
एनीमिया की बीमारी आपको हो सकती है विटामिन बी सिक्स की कमी से, इसके अलावा विटामिन बी सेवन की कमी से जो है आपको हो सकता है लकवा, लकवा, और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से आपको क्या हो सकता है, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से आपको हो सकता है एनीमिया, एनीमिया इसके कारण भी हो सकता है भाई, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से आपको हो सकता है स्कर्वी, स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से हो सकती है। इसके अलावा डी की कमी से हो सकता है रिकेटस, रिकेटस नामक बीमारी हो सकती है भाई विटामिन डी की कमी से, और आपका विटामिन ई की कमी से आप जो है जनन क्षमता आपकी कम हो सकती है, सेक्सुअल कमजोरी आपके अंदर आ सकती है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना जो है बंद आपका हो सकता है। ये थे भाई आपके विटामिन्स के नाम और उससे होने वाली बीमारियां, एग्जाम ओरिएंटेड बात मैंने आपको बताई, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत ना है भाई, लास्ट टाइम है और मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें रिवाइज करवा रहा हूँ, और कोई खास पर्पज नहीं, कहीं आप ये सोचो कि मैं साफ साफ नहीं लिख रहा, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, आप मेरी सुन ली आपने, आप इन्हीं को अपनी नोटबुक में पढ़ लीजिए, इससे पहले आपके पास जो भी बुक होगी, जो भी नोटबुक आपने बनाई होगी उसमें से एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, एक बार शाम को एक बार सुबह, ये चीज़ें पक्की हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे जो खनिज लवण बच गए उनको, और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी आप कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक को कवर करें, सबसे पहले उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि तारीख हो गई भी 15, मैं 20 तक क्लास लूँगा आपकी, लास्ट के टू डेज 21 और 22 को मैं आपको फ्री छोड़ूंगा, अगर आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त को होता है तो उस हिसाब से ही, ठीक है। तो लास्ट के 5 दिन में आप बता सकते हो क्योंकि समय कम है, और रोज 2 ही वीडियो आ पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और अभी के लिए वीडियो में नहीं, और कल संडे है, संडे को दिन में 12 बजे हमारा टेस्ट होने वाला है, कल लास्ट टेस्ट लूँगा भाई, मेरी तरफ से 8वां प्रैक्टिस सेट होगा भाई आप सभी के लिए, और उसको आप जरूर करें, और हाई से हाई लेवल उसका रखने की मैं कोशिश करूँगा। अभी के लिए वीडियो में नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखने लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।